मैंने और अब्बू ने मिलके ये थोड़ा सा सजाया है। अब्बू मेरे साथ चिपकवाने में हेल्प कर रहे थे। फूका तो गाइस अभी जो है ना छोटे भाई की सालगिरह सेलिब्रेट कर यहाँ पर। अभी जो है ना मैं अपना नाश्ता बना रहा हूँ। अब्बू को मैंने मिल्क शेक, ब्रेड, एग, चाय दे दी सब। और आज लिजबा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है क्योंकि उनके रात में ही पेट में तकलीफ शुरू हो गई थी और फीवर आ गया था। तो जी अम्मी सुबह आई थी, अम्मी सुबह कह रही थी कि भाई ये जो है ना ये आजकल फैल रहा है, एक तो चिकनगुनिया फैल रहा है और दूसरा आई थिंक एक और बीमारी बताई अम्मी ने, वो फैल गई और पेट का दर्द और ये सबको हो रहा है, कुछ अम्मी के ऑफिस के कोलिग्स को भी हो रहा है। तो भाई एहतियात करनी पड़ेगी। तो आज नाश्ते की जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने चाय बना ली है। यहाँ पर अपनी ब्रेड गर्म कर रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ, एक बॉयल एक अंडा अलिशबा को भी खिला दिया है, अब्बू को भी दे दिया है और एक मैंने खुद दे लिया। साथ में मिल्क शेक बनाया था अब्बू के लिए और आज ये नाश्ते की जिम्मेदारी मेरे पे। देखें लेट्स सी अगर तबीयत ठीक होती है ठीक, नहीं तो अदरवाइज़ मैं हॉस्पिटल ले जाऊँगा अलिशबा को। तो फिलहाल जी नाश्ता करते हैं। अभी जो है तबीयत ठीक हो गई है मेरी, घर का सारा काम करने के बाद फ्री हुए हैं, नमाज पढ़ ली है और अभी हम जा रहे हैं कहीं पर। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना सुकून मिल रहा है, हवा आ रही है ठंडी और अब वो लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है आज गैलरी का। सुबह से 2 घंटे में लेट नहीं है, नमाज पढ़ ली हमने, तो अभी हम जा रहे हैं क्या सामान लेंगे। शुक्र है की तबीयत बेहतर होगी। सिर्फ क्या खाया है इस बगल का छिलका भी है और थोड़ा सा वो दो ब्रेड और एक अंडा, दो ब्रेड एक अंडा और वो क्या कहते हैं उसको निमको वाले पानी पिलाया तो नमकियात की कमी होगी लग रहा है। अब थोड़ी बेहतर है ना? जी बिल्कुल सही हो गई है, ये सब चीज़ बेहतर रहता है। अभी आते हुए दही और वो लेते हुए आएंगे ना, अभी हम सारे सामान लेंगे। आपको कुछ चाहिए? नहीं बस वही खाना फिर है आप खा लीजिएगा ठीक है। हाँ फिर आ रहे हैं अभी, कुछ चाहिए तो बता देना ठीक है। अभी चलते हैं हम इम्तियाज, फिर मुझे निकलना है, आपको ड्रॉप करके निकल जाऊँगा और कुछ सामान भी मुझे वापसी लेके आना है। छोटी मोटी छोटी मोटी सेलिब्रेशन है, मम्मी से बात होगी और जना आप ही बता रहे हैं आपको। अब वो आप ही तैयारी करके रखिएगा सही है, कंडीशन भी लगा रखा फर्स्ट क्लास की, प्रॉब्लम वगैरह बैंक किया जना सेलिब्रेशन है ठीक है। जी चले नहीं चले आ रहे हैं, चलो मैं बाइक निकालूँ और आप वहाँ से चले से। बस लाइट ही नहीं है, पता नहीं कब आए, शायद आए ही ना। नहीं आ जाइए शाम तक आ जाइए। चले सही है, अभी बस हम जा रहे हैं सामान लेने और जो है सेलिब्रेशन का सामान लेने जा रहे हैं और बस अभी चप्पल यहाँ से निकालते हैं चलते हैं। अभी हम इम्तियाज़ की पार्किंग है और बाइक पार्क कर दी, अभी जा रहे हैं अंदर और अंदर जाके हमें कुछ इतना ज़्यादा सामान नहीं लेना बट लेना है थोड़ा बहुत, जैसे कि आप मिसाल के तौर पर दूध ज़्यादा यूज़ होता है तो दूध चाहिए होगा, अंडे देख लेंगे अंडे चाहिए होंगे, अंडे यहाँ से नहीं लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जैसे दालें वगैरह ये कुछ छोटे मोटे आइटम्स जो है लेने हमें। बस अभी चलते हैं अंदर, इंटरेस्ट आ गया इनकी, यहाँ से लिफ्ट पकड़ते हैं और चलते हैं नीचे इम्तियाज़ की तरफ और फिर मैंने इनको ड्रॉप करके वापसी पे केक शेक भी लेना है। तो जी बिल्कुल अभी लिफ्ट पे घुसने कैसे हैं से इम्तियाज़ जाना है जी सर। तो ये P2 है ना? जी सर। तो जी बस अभी जो है ना हम नीचे जाने लगे और अलीफा को लिफ्ट से थोड़ी सीधा परेशानी होती है। बस पहुँच गए हम अभी इम्तियाज़ और अभी डायरेक्ट ग्रॉसरी के आइटम लेने जा रहे हैं नीचे, तो बस चलते जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। आज हमने क्रॉकरी की तरफ आए थे, अलिशबा ने कुछ चीज़ें देखनी थी क्रॉकरी में जो इम्तियाज़ में नज़र आ रही हैं आपको, और हमने ये उठाए क्योंकि हमें केचप और मायनीज के लिए चाहिए थे। तो अभी और भी कुछ देख रही हैं आगे, कुछ समझ आती तो वो भी ले लेते हैं। काफ़ी सारे पैन हैं यहाँ पर, देखें छोटा ये देखें, ये मेरे ख्याल हाफ फ्राई के लिए पैन है छोटा सा जिसमें हाफ फ्राई करते हैं, बिल्कुल छोटा सा है और ये अच्छे हैं तरह से स्टिच के हैं सारे। तो अभी हम यहाँ से कुछ देख रहे हैं कुछ और भी अगर समझ आती तो वो भी ले लेते हैं। हमें एक बीटर चाहिए था, ये हर चीज़ में काम आता, तो ये भी हमने उठा लिया और अभी आगे जा रहे हैं, मज़ीद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे। दूध तो ले लिया, बस अभी जो है ऑयल लेना है और कुछ थोड़ा बहुत और सामान होगा वो लेंगे और जो है इतना आज नहीं लेना, तो बस यहाँ से भी जा रहे हैं ऑयल लेने। तो भाई अब्बू के लिए खजूरें चाहिए थी वो तो ले ली हमने, साथ में इसके साथ साथ बिस्किट वगैरह भी ले लिए, सब कुछ ब्रेड भी ले ली, चने भी ले लिए मैंने अपने लिए खाने के लिए। अम्मी भी खाती है, मैं भी खाता हूँ। इस बार मैंने चाट मिसा मिलाया क्योंकि ये खुल गया, ये जो है ना मैं इसलिए लेता हूँ कि मैं असल में मिक्स करके खाता रहता ना। सही नहीं है ये, सही नहीं है, चलो दूसरा मंगवा लेंगे इसका।
इसका ढक्कन ख़राब है। चलें जी एक फॉल्टी निकला इसको वापस करेंगे। बाकी यहाँ से और कुछ चाहिए तो सब्ज़ियाँ तो हमने ले ली हैं, प्याज लिए, आलू 5 kg लिए वो भी रख लिए नीचे, और बहुत कुछ ले लिया है। टमाटर देखते हैं उसके भी रेट देख लेते हैं। तो गाइस कहाँ हमें थोड़ा सामान चाहिए था भाई, आधी ट्राली हो गई है और काफ़ी सारा चीज़ें होगी। अब्बू के बिस्किट से लेकर अब्बू का जो है ना क्या कहते हैं उसको कचूरे भी, और साथ में हमारे घर के सारी ग्रोसरी ले लिए, तेल एक्स्ट्रा ले लिया मैंने ताकि ज़्यादा चल सके, दूध भी ले लिया और सब्ज़ी भी। तो गाइस यहाँ सारा ही हमारा सामान पड़ा है और हम यहाँ बैठ के मज़े से मैं जो है ना अपना डोनट इन्जॉय कर रहा हूँ। इजवा की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है, जाहिर सी बात है बीपी शायद लो गया होगा और थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं। हम यहाँ थोड़ा सा बैठ के रेस्ट भी कर रहे थे, तो मैंने कहा अली भाई खाने को बराबर नहीं खाने नहीं, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो आई थिंक फीवर हो रहा है इनको कल रात से, और फीवर जो है चढ़ रहा है उतर रहा है चढ़ रहा है उतर रहा है। अब अल्लाह खैर करें, देखते हैं, कोई मेडिसिन तो खाई नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आराम करें और बेहतर हो जाए, नहीं तो फिर अल्लाह ना करे ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल इतना सारा सामान है, ये सारा मैं उठाऊंगा और अपनी बाइक पे लेके जाऊंगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा शॉपर्स भी रख लिए हमने, बस अल्लाह करे रेशमा की तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ से मुझे फिर जाने और कुछ वापसी पे बर्थडे का सामान भी लेते हुए आने वो भी लेते हैं। फ़िलहाल की अपडेट ये है कि ये घर पहुँचा रहे हैं मुझे किसी भी हाल में। तो जी फाइनल स्टेप जो होता है ये डबल शॉपर करने होते हैं, मैं सारे सामान सारे जो है ना डबल शॉपर करके रखने होते हैं, और फिर मैं बाइक पे कुछ लटका दूँ, कुछ अलिफा पड़ी बढ़ जाती है। तब ये देखें इसमें सब कुछ आ गया, ये इस तरह से अभी इसको डबल करेंगे तो ताकि ये मजबूत रहे, और ये वैसे ही बहुत मजबूत शॉपर होते हैं, फिर भी हम इसको डबल कर लेते हैं एहतियातन ताकि गिरे ना। तो ये अलिफा तो सबसे आखिर मरला ये होता है, उसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से सामान लेके घर की तरफ। तो अभी इसको डबल किया आपने, तो ये डबल हो गया। अभी ये देखें इस तरह से अभी और भी सामान है, और आज हमने आलू भी यहाँ से ले लिए जो कि 5 kg है, और साथ में प्याज भी ले लिए तो सस्ते मिलते हैं। हमें आलू उठा दूँ क्या करेंगे आप, शॉपर में नहीं आएंगे 5 kg हैं, चलें लेते हैं ट्राई करते हैं इसको शॉपर में आते हैं कि नहीं। पूरी ट्रॉली फुल है, अभी खड़ा मार्केट आए थे और अभी ATM आ रहा है, ATM आने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ गाँव की तरफ, और इंशाल्लाह वापसी आते हुए मुझे केक भी लाना है और कुछ बर्थडे का सामान भी लाना है, और आज सारा दिन लाइट है नहीं, अल्लाह करे लाइट आ जाए रात तक जब तक मैं घर आ जाऊँ। तो अलीशबा को घर ड्रॉप कर दिया है, तबीयत वैसे ही डाउन है, अब्बू को कहा थोड़ा देख लें अलीशबा को, तो मैं निकल रहा हूँ डायरेक्ट, अभी सामान लेता हूँ, सामान लेके डायरेक्ट निकल जाऊँगा गाँव की तरफ, फिर रात में आते हुए केक भी पकड़ लूँगा इंशाल्लाह। तो जितना जल्द हो सके यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम है कम और काम है ज़्यादा। आ गए हैं देवीगढ़ में, और जहाँ से ये चीज़ें मिलती है उसी डायरेक्ट शॉप पे आए हैं, बड़े सेलिब्रेशन का सामान चाहिए मिल जाएगा, तो बस यहाँ से मैं अक्सर ले जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे बैक साइड पे काफ़ी सारे कार्ड्स भी लगे हुए हैं, तो आप मुझे एक हैप्पी बर्थडे निकाल दें और कुछ बैलून्स निकाल दें, ठीक है, कलर गोल्डन या इस तरह का कुछ कर दें, ठीक है। ले लिया है ये इस तरह यूज लिया है क्योंकि बैलून भी ले सकता था, बैलून में तो मेहनत भी ज़्यादा थी, अगर आपका एक बैलून में से भी स्ट्रॉ गलत पास हो जाए या स्ट्रॉ की जगह ख़राब हो तो पूरा हैप्पी बर्थडे का जो ना सत्यानाश हो जाता है, तो बैलून वाला इसलिए मैं अवॉइड करूँ इस बार, और मैं ले रहा हूँ ये वाला, ये भी एक्सपेंसिव ही है मतलब उसी की तरह का रेट है इसके अंदर, इसका भी गोल्डन मिली है। तो और मज़ीद मैंने ये डॉटेड टेप ली है ताकि इससे ना आप बैलून सही से चिपका सकते हैं, गिलू होता है इसके अंदर, गिलू टाइप की टेप होती है, और बैलून लेने हैं इसके साथ साथ हैप्पी बर्थडे के, और वही चीज़ें लेनी है काफ़ी, तो अभी यहाँ से सब चीज़ें लेने हैं। तो तुम्हारे पास स्पार्कलिंग कैंडल्स होगी, हाँ ये चाहिए मुझे, दे दे जी दो दे दे मुझे, दोनों मर्जी है तुम्हारी, गोल्डन दो, सिल्वर दो, जामनी दो, कोई भी दो, लेकिन अच्छी सी देना, ठीक है। ये दो जी स्पार्कलिंग कैंडल्स ले ली मैंने, और साथ में आप मुझे बैलून्स देने वाले थे, मिले बैलून्स में ला के दे, चले आप मुझे ला दें, आप मुझे कितने का एक पैकेट है, 5 बड़े वाले हैं वो, आप एक काम करें 2 या 3 दो ला दें, दो ला दें। तो जी अभी ये दो पैकेट लेके आ रहे हैं हमारे लिए, तो भाई साहब यहाँ से हमने केक ऑर्डर किया था और हमारा केक ऑर्डर रेडी है, और बस अब इनसे नाम लिखाना था जो कि अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। कैसे हैं भैया, खैरियत से सब ठीक है, केक था हमारा एक, ठीक है भाई दे रहे हैं, अभी आपने उस पर कुछ लिखना भी था भाई, अभी केक पे कुछ लिखवाते हैं,
और केक हमारा रेडी यहाँ पर। हाँ जी ये रहा, तो लिखवा रहा हूँ हैप्पी बर्थडे लिखवा रहे छोटे, तो ये भाई लिखेंगे, लिख देंगे भाई, चलिए ये भाई लिखने लगे अभी प्यारी हाथों से प्यारी राइटिंग में। ये जी आ गया, हैप्पी बर्थडे। एम ए एल आई के आई के डब्ल्यू ए क्यू ए आर ए। ये दीजिए भाई, इन्होंने लिख दिया मसला प्यारा सा। अब आगे आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, आएगा छोटे सी एच ओ टी ए वाई जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अबू सामने खड़े हैं, अबू सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं। ये मैं लाया हूँ, बस ये ख़राब ना हो, बड़े स्लो स्लो चला के लाया हूँ। अरे शिवा जी आ जाओ, ये देखो अली शिवा, इसको आहिस्ते से निकालो अंदर से, देखो बाइक पे लाया हूँ गोद में रख के हिले ना। तो जी यहाँ पर देखिए बलून भी लेके आ गए और केक भी लेके आ गए। ये तो बहुत पिछली बार इससे खूबसूरत नहीं था, अभी ज़्यादा खूबसूरत मिले हैं। अच्छा, इस हर जगह हैप्पी बर्थडे थे प्यार कर लिखा हुआ, वाइट पीला और माशाल्लाह केक भी बहुत प्यारा है और ये भी प्यारे हैं। केक मैंने लिया है पाइन दस का, इसलिए कोई लोग जानते होंगे पता वो पाइन दस का कौन है, वो है केक बोलना चाहते हैं। अभी जो है गुब्बारे फुला रहे हैं इसे बहुत लगता है माशाल्लाह। अभी बाजी भी आई हैं, अम्मी भी आई हैं और अब्बू भी तैयार हो गए बर्थडे के लिए। अभी जो है हम इस दीवार पे जो बलून लगा है वो लगा रहे हैं और थोड़ी सी नई सी डेकोरेशन कर रहे हैं। तो बस अभी जो है मेरे हस्बैंड साहब ने सारे बलून जो है उनमें हवा भर दी है और यहाँ पर देखें ये आ गए। अब आ गया चिपकाने का टाइम, चिपकाने का टाइम आ गया। मैं आपकी हेल्प करूँ? तो नहीं चाहिए, आपने गुब्बारा फटाया था ना, और यहाँ पर देखिए टेबल भी आ गई है और अब्बू भी रेडी हो गए माशाल्लाह। मैं रेडी हो गया माशाल्लाह। ये उतर जाएंगे ना? हाँ उतर जाएंगे आपसे, दीवार खराब ना हो जाए। उतर चले, सही है, अच्छी बात है। ऐसे बलून बहुत प्यारे लाए हैं आप, ग्रीन के साथ ग्रीन लगाए ना, मैंने और अब्बू ने मिल के थोड़ा सा सजाया है। अब्बू मेरे साथ चिपकवाने में हेल्प कर रहे थे, फूका सारा मैंने है तो अभी जो है ना ये सारा सजा दिया हमने गेट तक, और अभी टेबल लेकर आए ऊपर से, अब्बू टेबल नीचे रखते हैं तो ये जी टेबल भी आ गया, और अभी इसके ऊपर कपड़ा बिछाते हैं और अपना केक भी ला के रखते हैं। और बुखार अपने आने वाले होंगे तो उनको भी रिसीव करते हैं, फिर बैठ के आराम से सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस ये जी हमारी फाइनल सेटिंग हो चुकी है और अभी वकार वाले आ रहे हैं, ऊपर बात हो गई हमारी, और यहाँ देखें जी ये पूरा सिस्टम, अब खड़े होके ख्याल रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल है अभी आते होंगे, तो अभी जो है ना आते ही होंगे, देखते हैं उनको। एक गुब्बारा गिर गया यहाँ पर देखें, और जी ये ले जी ये भी आ गए भाई साहब। कैसे भाई, खैरियत से? तो मैं ठीक है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ साहब, गुब्बारे गिरते हैं, तुम्हारे आने से पहले गिरना शुरू हो गए। पंखा ऑफ कर देते ना? हाँ वो पंखा ऑफ कर देते, पंखा ऑफ ही है। अभी जो है ना छोटे भाई सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी साथ रखा हुआ है एक ही प्लेटफॉर्म पे, सही आ जाओ लाइव लिख गया भाई। तो चले जी अभी एक करने का टाइम आ गया है, सभी टाइम निकाल के आए स्पेशल भाई, मैं अली की दादी को लेकर आई हूँ।
और जैसे वकार की सालगिरह का सुनाना छोई बोल लो बाजी मम्मी बेस्ट फ्रेंड मेरी हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday, dear Vakar bhai. Clapping, bhai. Thank you, beta. Thank you, sabka. Thank you. Aja, bhai. चलो कोई मैं रह गया खाया खाया फिर गर्मी हो रही गाइस फैन ऑफ किया हुआ है क्योंकि वीडियो बन रही होती है ना तो फैन तो हम बिल्कुल ऑफ करते हैं तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया सबका शुक्रिया अली की दादी आई हैं आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया और ये भाई का केक कैसा लगा केक बहुत मज़ेदार था अच्छा है आपका भी शुक्रिया भाभी का भी शुक्रिया अम्मी का भी शुक्रिया चलो अबू का भी शुक्रिया आपको भी मुबारक खैर मुबारक खैर मुबारक चलो भाई ये लो भाई मोबाइल वापस पकड़ लो जी सब में केक जो है बढ़ चुका है और जो है माशाल्लाह काफी अच्छा केक था अबू अच्छा है ना अच्छा बहुत टेस्टी था जी तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम निपटा लिया आज टाइम से ही सब कुछ हो गया जैसे कि इम्तियाज़ जाना था सामान लेके आना था और अलीफा की तबीयत भी सारे दिन ख़राब रही है और बस दुआ करते हैं अल्लाह करे जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपसे भी ये उम्मीद कहते हैं प्लीज़ दुआ कीजिए उसके साथ एक सेलिब्रेशन रखी थी घर पर घर वालों ने मिल के वकार की बर्थडे की तो केक लाना था और बर्थडे का सामान लाना था ये भी सब मैं टाइम से ले आया और इस्पेशली अम्मी की फ्रेंड भी आई हुई थी वकार की बर्थडे के लिए तो उनने भी ज्वाइन किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उन्होंने टाइम निकाला सब ने ही इन्जॉय किया मज़ा आया तो जी यही करते हैं ब्लॉग एंड और उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपना और फैमिली का ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए टेक केयर और हाफिज़